लोकसभा कैंडिडेट्स की घोषणा की। क्रिकेटर्स पठान, शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आजाद के नाम, नुसरत जहां, मिमी चक्रवर्ती का टिकट कटा। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने रविवार को पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट्स की घोषणा कर दी। पार्टी ने बहरामपुर सीट से कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ क्रिकेटर्स पठान को उतारा है। इसके अलावा आसनसोल से अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा और दुर्गापुर से पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद का नाम शामिल है। टीएमसी ने बशीहाट लोकसभा सीट से एक्ट्रेस नुसरत जहां और जादवपुर सीट से एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती का टिकट काट दिया है। टीएमसी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए 16 मौजूदा सांसद को टिकट दिया है। इनमें 12 महिलाएं भी शामिल हैं। इसके अलावा बंगाली फिल्म इंडस्ट्रीज के दो बड़े चेहरे रचना बनर्जी हुगली और दीपक अधिकारी देव को घाटल से टिकट दिया है। बीजेपी से टीएमसी से वापस आए अर्जुन सिंह का टिकट कटा, मंच छोड़ कर गए। बेरकपुर से लोकसभा का टिकट नहीं मिलने पर टीएमसी नेता अर्जुन सिंह बीच में ही ममता का मंच छोड़कर चले गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने के बाद अर्जुन ने भाजपा का दामन थाम लिया था। टीएमसी के दिग्गज नेता दिनेश त्रिवेदी ने इन्हें बेरकपुर सीट से हराया था। हालांकि 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले त्रिवेदी भी भाजपा में शामिल हो गए थे, जिसके बाद यहां तृणमूल के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं बचा। इसके बाद अर्जुन सिंह 22 मई 2022 को भाजपा छोड़कर वापस टीएमसी में आ गए। कयास लगाए जा रहे थे कि अर्जुन को बेरकपुर से टिकट मिलेगा, लेकिन उनकी जगह पार्थ भौमिक को टिकट दे दिया गया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का कहना है कि आज मैं बंगाल की 42 लोकसभा सीटों के लिए 42 उम्मीदवारों को आपके सामने लाऊंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज। একটা নতুন জিনিস দেখতে পাবেন, ৪২টা কনস্টিটিউয়েন্সিতে ৪২টা ক্যান্ডিডেট নিয়ে আমি এই র্যাম্পে হাঁটব। অর্থাৎ এই জিনিস আগে আপনারা কখনো দেখেননি, অপেক্ষা করুন তার জন্য। আমি প্রথমেই বল